वेलकम बैक टू आवर चैनल अबोलीज फैशन वर्क। तो आज के इस वीडियो में हम नायरा कुर्ती की कटिंग के लिए जो मेजरमेंट्स लगते हैं वो किस तरह से लेने चाहिए या फिर कौन कौन से मेजरमेंट्स लगते हैं, इनके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोई भी ज़्यादा देर ना गवाते हुए। लेकिन अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो मेजरमेंट लगने वाला है वो है चेस्ट का मेजरमेंट। चेस्ट का मेजरमेंट जैसे हम हमारे कुर्ती रेडीमेड पे या फिर जो भी हमारी कुर्ती है उसमें लेते हैं उसी तरह लेना है और इसको इंटू टू करना है। अब यहाँ पे 20 है तो 20 इंटू टू 40 साइज, यह है चेस्ट का मेजरमेंट। अब यहाँ पे 40 आया है लेकिन यहाँ पे जो साइज मेंशन किया है उस टोकन पे वो है 42 या फिर 44, डबल एक्सेल 44 किया है लेकिन इसका जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो 40 है, तो ये ज़रूर आप चेक कीजिए। उसके बाद हमें मेजरमेंट लगेगा वेस्ट का। तो जहाँ पे आपका वेस्ट का बॉडी का शेप आता है वहीं पे हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना होता है। तो यहाँ पे बॉडी का जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो 18 है, 18 इंटू टू 36, यानी कि 36 इसका जो वेस्ट है वो है। उसके बाद फ्रंट नेक यहाँ पे 4 है, अगर आप चाहो तो 6 भी ले सकते हो या फिर 5 भी ले सकते हो, एज यू विश। आपको जितना गला चाहिए आप उसका लेंथ वहाँ पे ले सकते हो। और ये बैक का नेक है, इसका जो लेंथ है वो है 2 इंचेस। अब स्लीव्स का कैसे मेजरमेंट करते हैं ये देखते हैं। जो हमारा आर्म होल है वहाँ से स्लीव के एंड तक हमें इसका मेजरमेंट लेना है, ये है 16.25। आपका जो है वो आप ले सकते हो। उसके बाद जहाँ पे स्लीव ख़त्म होता है वहाँ पे हमें स्लीव विड्थ लेनी है, इसकी है 12, 6 इंटू टू 12। अब यहाँ पे बहुत ही आईएमपी है, इसका जो बॉटम है उसका आपको घेर लेना है, उसकी विड्थ लेनी है। तो एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक इतना ही यहाँ पे बॉटम एक साइड का मेजर करें, क्योंकि इसको साइड कट भी आते हैं। नायरा कुर्ती थोड़ी अलग होती है, थोड़ी फैशनेबल है, तो यहाँ पे आपका जितना वेस्ट है उतना ही एक साइड का बॉटम का मेजरमेंट होगा, यानी कि 36 या 37 आपके वेस्ट के डबल। उसके बाद शोल्डर टू वेस्ट ये एक आपको मेजरमेंट लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 13.5 ये इसका मेजरमेंट है। उसके बाद आपको वेस्ट टू फ्लोर ये जो मेजरमेंट लगने वाला है वो आप कैसे नापे। तो वेस्ट के सेंटर से आपको मेजरमेंट टेप रखना है और एंड तक आपको लेना है, तो ये जितना भी आएगा आपको उतना लेना है। एंड को यहाँ पे मेजर ना करें क्योंकि एंड को यहाँ पे ये ज़्यादा आएगा, तो आपको सेंटर से मेजर करना है, ये आया 31। उसके बाद और इसको मेजरमेंट लगेगा साइड कट, आपको इसके साइड कट कितने मेजर कितने नाप पे रखने हैं ये आपको देखना पड़ेगा। तो जो आपका वेस्ट है उसे इस तरह से खोल के लीजिए और जो आपका वेस्ट है वहाँ से आपको इसे साइड कट के एंड तक मेजर करना है, साइड कट का ऊपर वाला एंड। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 5 आया है। अब सिर्फ हमें ये मेजर करके इसमें एक आधा इंच बढ़ा के लेना है जब आप रिकॉर्ड करोगे मेजरमेंट्स। तो ये आया है 5 और आपको इसमें 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 5.5। और अब यहाँ पे हमारे सारे के सारे मेजरमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको जो पैच बनाया है उसका अगर आपको मेजरमेंट लेना है तो आप ले सकते हो, ये पूरा ऑप्शनल है। ये 8 से 9 इंच का हमें रखना पड़ता है, तो अगर आपको चाहो तो आप ले सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, अभी हमने मेजरमेंट कैसे लेना है ये सीखे है, इसके बाद में हम इसको कटिंग कैसे करें और फिर इसका स्टिचिंग कैसे करें ये भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो आने वाले पार्ट्स में ये आपको मैं दिखाऊंगी। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए सबका थैंक यू। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।